दो लाइनों के साथ स्वागत टोनी जी को क्या क्या कहता हूँ स्वागत कि कवि मित्र बनते हैं मगर चाय तक पिलाते नहीं, कवि मित्र बनते हैं मगर चाय तक पिलाते नहीं, उधार मांगो तो पकड़ में नहीं आते। चाय पिलाने की बात तो ठीक है, होली के साथ जरा मस्ती भांग नशा और उसकी भी बात होती है, और नशा एक ऐसी हम लोगों की जिंदगी में नशा और उसकी बातें घर कर चुके हैं कि दारू मदिरा शराब को कथित आनंद का पर्याय बना लिया। क्या बात, दारू मदिरा शराब को कथित आनंद का पर्याय बना लिया, मैखाना मधुशाला कलाली को पवित्रता सा धाम बना लिया, शब्दों की जोड़ तोड़ ने हमें बड़ा जुझारू बना दिया, और दवा के संग दारू को जोड़ा दवा दारू। क्या बात है? दवा के संग दारू को जोड़ा दवा दारू बना दिया, एक पंथ कई काज को हमने जीवन का आधार बना दिया। बिल्कुल सही, एक पंथ कई काज को हमने जीवन का आधार बना दिया, और घर के संग बार को जोड़ा घर बार बना दिया। घर के संग बार को जोड़ा घर बार बना दिया, कथित आनंद को जीवन में जैसे गीता सा सार बना दिया, कथित आनंद को जीवन में जैसे गीता सा सार बना दिया, और बार के संग त्योहार को जोड़ा बार त्योहार बना दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया टोनी। तो ये रोजमर्रा के शब्दों के मायने बड़े निराले होते हैं, जहाँ शब्दों में नशा जुड़ा है वो कहीं मानने वाले होते हैं, तो ऐसे ना मानने वाले दोस्तों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। और दद्दू, आपकी एक खासियत है जो मैं आपको जानता हूँ कि आप प्रश्नों के जवाब बड़े आशु कवि के रूप में तुरंत देते हैं, और इतना समय मुझे मंच संचालन करते हुआ है मैंने आप जैसा आशु कवि या तुरंत जवाब देने वाला व्यक्ति नहीं देखा। कुछ ऐसा कोई यादगार प्रश्न आपके दिमाग में हो तो जरा हमारे दर्शकों को बताएं। दद्दू का दरबार पिछले करीब 10-12 वर्षों से चल रहा है जी, जो हमारे रीडर्स हैं क्वेश्चंस जो पूछते हैं। अच्छा, उसके फनी आंसर में देता हूँ। एक क्वेश्चन आया था जिसका जवाब मुझे बहुत पसंद है स्वयं को। दद्दू, स्त्रियां ज्यादा रोती हैं और उनका रुमाल छोटा होता है, और पुरुष कम रोते हैं उनका रुमाल बड़ा होता है। मेरे प्रश्नों में हमेशा कोई संदेश देने की कोशिश करता हूँ। क्या बात? मेरा जवाब था कि बंधु, रुमाल स्वयं के नहीं बल्कि एक दूसरे के आंसू पोंछने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, यानी आपके आंसू ज्यादा है, हमारा रुमाल बड़ा है, तो हम आपके आंसू पोंछ पाएंगे। बहुत अच्छा मैसेज है। मित्रों, होली आए, हमारी तीनों पीढ़ी यहाँ बैठी है, मैं समझता हूँ कि सब अपने रंगों में रंगे होते हैं, लेकिन बचपन एक ऐसी बात होती है, बचपन एक ऐसी एक विधा होती है जब आदमी इसको बहुत खूबसूरती से मनाता है। मैं चार लाइनें अपने जो मेरा नया काव्य संग्रह आलिंद निकला है उसमें से देना चाहता हूँ कि अब बर्फ के गोले वाला मोहल्ले में आता नहीं है, अब बर्फ के गोले वाला मोहल्ले में आता नहीं है, और मेरा बचपन है कि जो कभी जाता नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। स्कूल से बचने के कई बहाने, अभी 3 दिन पहले ही तो गया था नहाने, माँ के पतीले से चुराना छोड़ के दाने, और घर के बजाय बनाना नए ठिकाने, अब पैसे बहुत हैं पर कोई खिलौने दिलाता नहीं है, और मेरा बचपन है कि जो कभी जाता नहीं है। और ये बचपन बहुत समय आपको देखते देखते मेरा, मैं आज इस उम्र में पहुंच गया। मैं दद्दू चाहता हूं कोई नए 2-4 मुक्तक या कुछ हास्य की बात आपकी ओर से और हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। मुझे अपना केश रहित मस्तक दूसरों से ज्यादा चमकदार लगता है। केश रहित मस्तक दूसरों से ज्यादा चमकदार लगता है। एक काव्य गोष्ठी में मैंने टोनी शुक्ला जी से पूछा कि कैसा दिखता है मेरा केश रहित मस्तक। उनका जवाब था कि बिल्कुल दिल्ली विधानसभा जैसा, भाजपा जैसे 3 बाल और बाकी कांग्रेस जैसा साफ। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा हास परी हास वह होता है जिसमें दूसरों के बजाय स्वयं को लेकर मजाक किया जाए। एक मुक्त छंद आपको समर्पित करना स्वागत है, स्वागत। शीर्षक है हेयर स्टाइल। अर्ज है कि हम भी कभी युवा थे, हम भी कभी युवा थे, अपने घने बालों पर मरते थे, रोज सुबह दोपहर शाम अपने बालों में कंघी करते थे। क्या बात, नित नई हेयर स्टाइल रखकर, नित नई हेयर स्टाइल रखकर सस्ते थे, समर्थे थे, फिर अपने सेकंड हैंड स्कूटर पर सवार होकर शहर भर में विचरते थे। सेकंड हैंड। अब अपनी उम्र और अनुभव की सीख ने मुझे एक नई राह दिखाई है। अब अपनी उम्र और अनुभव की सीख ने मुझे एक नई राह दिखाई है। जीवन भर बालों के साथ सारे प्रयोग करने के बाद अंत में मुझे यही सपाट हेयर स्टाइल पसंद आई। बस यही पसंद आई है, रखिए इसमें। आप बहुत जवान भी लगते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं। और कुछ महिलाओं के विषय में भी अगर आपके दिमाग में कोई बात चल रही हो या कोई ऐसी बात जो आप मैसेज देना चाहते हो।
सुहानी जी को चार लाइनें समर्पित कर रहा हूँ। क्या बात? आजकल की लड़कियां नहीं है रोती धोती, आजकल की लड़कियां नहीं है रोती धोती, खुले बालों में बदल गई है उनकी चोटी, खुले बालों में बदल गई है उनकी चोटी, लड़कों को बेखौफ सुना देती है खरी खोटी, लड़कों को बिना डर बेखौफ सुना देती है खरी खोटी, तनख्वाह लेती है सभी मोटी मोटी। तो सुहानी से भी तनख्वाह नहीं पूछना, क्योंकि उम्र और तनख्वाह ये बड़ा अजीब विषय होता है।